हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री। और ये जो केमिस्ट्री का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मोल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे हम लोग को मोल निकालना है। अब देखिए, इन दो क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर हम लोगों को मास दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मोल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मोल को कैसे फाइंड करेंगे। तो इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि जब मास होगा आपके पास, देखिए यहाँ पे जब मास गिवन रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन मास इज गिवन। ठीक है, जब मास रहेगा तो हम लोगों का फॉर्मूला होगा गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे हम लोग। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोग को मोल्स मिल जाएगा। और दूसरा वाला में अगर पार्टिकल्स दिया रहता है, व्हेन पार्टिकल्स पार्टिकल्स गिवन, जब पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, और आप सबको पता ही होगा एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10²23। ठीक है, और आप सबको ये भी पता होगा, आई थिंक सो, या नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल का वैल्यू जो होता है वो भी कितना होता है, 6.022 × 10²23। ठीक है, अच्छा चलिए, ये दो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया ना। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ ऐसे करके, और अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि बोला गया था 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या बोला गया है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम है और हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए जानकारी, क्या चाहिए हम लोग को, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम पता होना चाहिए। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4U। तो अब हम लोग मोलर मास निकाल देते हैं इसका, मोलर मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं सेम उसी प्रकार से मोलर मास निकलता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मॉलिक्यूलर मास, जिसमें मास का, जिसमें मैंने आप सबको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बताया है। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही मोलर मास भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होगा इसी को मैं यहाँ 4G लिख दूंगा, ये हो गया मोलर मास। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, थर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, व्हेन मास इज गिवन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है 52, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ लिख दूंगा 4, और इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आ गया, 13 आ गया।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मोल निकाल दिए जब हम लोगों के पास में मास गिवन था। दूसरा वाला अगर हम लोग बात करें अगर, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए, एक मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि क्या क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन, हाँ देखिए, 12.044 इनटू 20 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है हम लोग के पास, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है हमारे पास। हमारे पास है 12.044 इनटू 10 टू द पावर 23 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि 1 मोल कितना होता है। 1 मोल होता है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक है। तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन पार्टिकल कितना दिया हुआ है, 6.022 दिया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गिवन पार्टिकल कितना दिया हुआ है, यहाँ गिवन पार्टिकल दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 द पावर 23। तो इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, 6.022 इंटू 10 द पावर 23 से। तो डिवाइड करने पे ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये जो 1 मोल है ना, ये 1 एटम्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं कि इतना पार्टिकल्स का 6.22, ये जो नंबर दिया गया है 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है ना, तो इतना पार्टिकल्स का 1 मोल होता है, यूनिटरी मेथड अगर मैं फॉलो करूं। देखिए ये मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, यहां से मैं हटा देता हूँ। एक तो आप इस प्रकार से बैठा दीजिए, आप याद रखिए फॉर्मूला, या तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है। तो क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब इतना पार्टिकल्स जो है, इतना पार्टिकल्स ऑफ एटम्स अगर 1 मोल होता है, तो फिर यहाँ पे जो पार्टिकल्स दिया गया है जो कि 0.44 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो भैया कितना मोल होगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, वही चीज हो रहा है। और काटने पे क्या होगा, 2 आ जाएगा, आंसर दोनों में निकल जा रहा है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये वाला। देखिए अब यहाँ पे हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, तो मास कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन अलग तरीका से बनेगा और ये 2 क्वेश्चन अलग तरीका से बनेगा, ठीक है, ये और ये। अब यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास डायरेक्ट मोल दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को मास का फॉर्मूला पता है ना। हम लोग अभी देखे थे कि एक फॉर्मूला होता है कि जिसमें मोल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अगर कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल का पता चल जाता है। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पे तो हम लोगों को मास निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी को? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि गिवन मास अगर निकालना हो और अगर हम लोगों के पास में मोल दिया हो, नंबर ऑफ मोल, तो इसको अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? मोलर मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को गिवन मास मिल जाएगा ना। तो इन दोनों में तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। बट उसके बाद वाला देखिए क्या है कि उसमें मोल नहीं है, उसमें क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है हमारे पास, तो हम लोगों को क्या निकालना होता है, मोल्स निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं पहले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं पहले तो, और डिवाइडेड बाय, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिलहाल एवोगैड्रो नंबर लिख रहा हूँ। तो ऐसा करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मोल। और मोल मिलने के बाद हम लोग को पता ही है कि अगर हमको गिवन मास निकालना है तो क्या करना होगा, गिवन मास निकालना है तो क्या करना होगा, मोल को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ। ठीक है, तो चलिए करेंगे इसको तो और अच्छा से समझ में आएगा हम लोगों को। यहाँ पे एक पेज मैं ले लेता हूँ, और पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो यहां मैं लिख देता हूं 0.5 ऑफ N2 गैस, है ना? तो ये मोल है ना, 0.5, हाँ मोल है। मैं यहाँ पे मोल नहीं लिखा हूं, तो एक काम करता हूं, मैं एक बार फिर से इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 0.5 MOLE मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा मास इज इक्वल टू होता क्या है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलर मास निकालना होगा, तो यहाँ पे ऊपर में मैं लिख रहा हूं मोलर मास ऑफ N2। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों को मोलर मास निकालना है ना, तो कितना होता है N का, आपका N का मोलर, N का कितना होता है एटॉमिक मास, अगर हम लोग देखे तो शायद ये आपका होता है 14, और यहाँ पे 2 है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 28। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोलर मास 28 है, और मोल कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 5/10 हो जाएगा, और 5/10 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको इसके साथ काटेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम लोग को मिलेगा 14 ग्राम इसका आंसर। तो मास हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट वाला जो है, सेकेंड वाला, उसको भी हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, वो 0.5 मोल था, 0.5 मोल ऑफ आई थिंक एन था शायद, यस एन एटम्स था, क्या था, एन एटम्स था। तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा यही फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले तो हम लोगों को निकालना होगा मोलर मास। ठीक है ना, सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोलर मास ऑफ एन, मोलर मास ऑफ एन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अभी यहाँ पे अगर हम लोग मास निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलर मास कितना है, 14 है, और यह नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5 है। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग आगे और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 14 × 5/10, एंड इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और उसके बाद यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 ग्राम, ये आ गया इसका मास। ठीक है, तो
ये दोनों भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आगे क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए मैं एक पेज और ले लेता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है 3.011 इंटू, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका, 3.011 इंटू 10 to the power 23, 23 नंबर ऑफ एन एटम्स, नंबर ऑफ एन एटम्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मोलर मास निकाल लेता हूँ एन का। तो अगर एन का मोलर मास अभी हम लोग देखे थे कितना होगा, 14 होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए भैया, मोल चाहिए। तो आप सबको पता ही होगा मोल निकालने के लिए अभी हम लोग के पास पार्टिकल्स है, तो वेन एवर वी हैव पार्टिकल्स देन मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवेन गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवो एडो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवेन पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये कटेगा, तो आई थिंक कि ये आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा इसे अगर हम लोग काटेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, मोल मिल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास या मास, गिवेन मास है, एक मिनट, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स अगर कर दे तो हो जाएगा। तो मोलर मास 14 है और यहाँ पे मोल हम लोग निकाले 1/2, तो कितना हो गया, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम क्या हो गया, ये आपका हो गया मास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग कर लेते हैं, जो सब लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे 6.022 इंटू N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power 23। एक बार मैं यहाँ फिर से लिखूँ अगर, कहाँ गया भैया, हाँ, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, NuMBER, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ N2 निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, मोल निकालना होगा। तो मैं यहाँ बार बार नहीं लिखता हूँ, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 6.02 इंटू 10 to the power 23 होगा, और एवोगैड्रो का वैल्यू भी यही होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मास का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला हो जाता है मोलर मास इंटू मोलर, एक मिनट, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। तो मोलर मास यहाँ पे कितना है, 28 है, और मोल कितना निकला, 1 निकला। तो इस प्रकार से 28 ग्राम, दिस इज मास ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, हो गया, समझ में आ गया होगा ये वाला भी आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास मास है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, मास है, और हम लोग को पार्टिकल्स निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा दूं कि आपको क्या पता है कि मोल निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर
ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाडो नंबर होता है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवोगाड्रो NUMBER नंबर होता है, ये आपको पता है ना। तो अभी हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा ये अगर निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि जो मोल है, MOL मोल, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम लोग, ठीक है। तो मोल को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, और पहला क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स। पहला क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग को तो मोल चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए मोल निकाल लेते। तो पहले यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भैया, मोलर मास चाहिए। मोलर मास ऑफ, एक मिनट, मोलर मास ऑफ एन ए कितना होता है, मोलर मास ऑफ एन ए का अगर हम लोग बात करें तो इसका मोलर मास होता कितना है भाई, 23 होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मोलर मास होगा 23। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, मोल निकालेंगे। तो अब मोल निकालेंगे तो गिवन मास दैट इज 46 एंड मोलर मास दैट इज 23, तो कट के ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कट के क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब मोल मिल गया हम लोग को, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूं अगर जो मोल निकला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, NUMBER नंबर के साथ। तो यहाँ पे मोल कितना है, 2 है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10³। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 × 10³। तो इस प्रकार से ये पार्टिकल निकल गया, और नेक्स्ट जो है उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहीं पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 ग्राम ऑफ O2 मॉली मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ O2 चाहिए। O2 क्यों लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, O2, ठीक है, मोलर मास ऑफ O2। अब मोलर मास ऑफ O2 क्या निकले, O2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, अब हम लोग मोल निकाल देंगे। तो मोल क्या होता है भैया, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट मींस गिवन मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाले, 32। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इजिकल टू क्या होता है, जो मोल है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हम लोगों को एवो जी आर ए
सॉरी GADRO नंबर के साथ। तो यहाँ पे मोल 1/4 है और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ में, 6.022 इंटू 10^23, तो ये कट कुटा के आंसर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 1.51 × 10^23। ठीक है, अगर आप सबको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मोल कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, ये आपका क्लियर हुआ होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।